हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, इस वीडियो में हम FC गोवा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के ट्रांसफर अपडेट के बारे में बात करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेता हूँ FC गोवा के बारे में। गाइस, बहुत दिन से एक खबर आ रहा था कि FC गोवा ने कार्ल मार्क्यूक का साइनिंग पूरा पूरी कर लिया है और उसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं था, लेकिन आज कार्ल मार्क्यूक का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। FC गोवा ने कार्ल मार्क्यूक का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। आप लोग जानते ही है कि कार्ल मार्क्यूक कैसा प्लेयर है। पिछले सीजन कार्ल मार्क्यूक मोहन बागान सुपर जाइंट के लिए खेला था और ISL का बहुत ही एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है कार्ल मार्क्यूक। अब कार्ल मार्क्यूक FC गोवा से खेलते हुए नजर आएगा। कार्ल मार्क्यूक के प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो एज 30 ईयर्स, सिटीजनशिप आयरलैंड, हाइट 1.80 m, पोजिशन डिफेंसिव मिडफील्डर। डिफेंसिव मिडफील्ड के अलावा कार्ल मार्क्यूक सेंटर बैक और लेफ्ट बैक पे भी खेल सकते हैं। फॉर्मर इंटरनेशनल आयरलैंड अंडर 21, मार्केट वैल्यू 3.2 करोड़। अब से कार्ल मार्क्यूक FC गोवा के लिए खेलते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात किया जाए तो नेक्स्ट अपडेट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC से रिलेटेड है। गाइस, कुछ दिन पहले एक रूमर्स निकल के सामने आ रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने पैलेस्टाइन की करंट इंटरनेशनल प्लेयर यास्तार हामिद के साथ 100% डील डन कर लिया और सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट है बाकी था। और आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने यास्तार हामिद का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। कुछ ही देर पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का सोशल मीडिया और यास्तार हामिद का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। और यास्तार हामिद के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है इस चैनल में। आप लोग यास्तार हामिद के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आप लोग मेरा चैनल को चेकआउट करके भी देख सकते हैं। और आप सभी को फिर से बता देता हूँ कि यास्तार हामिद एक बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड स्किलफुल प्लेयर है। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए बिग साइनिंग, क्योंकि हर टीम को एक यंग प्लेयर साइन करना बहुत ही अच्छी बात है। मेरे हिसाब से ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC मैनेजमेंट का गुड डिसीजन है। ये साइनिंग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही है। वीडियो पर एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो पर एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। AS08 स्पोर्ट्स पर आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जय असम, वंदे मातरम।